मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी में एक अधेड़ का तैरता हुआ शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा शव को नदी में तैरता देख सिकंदरपुर थाना को इसकी सूचना दी गई। शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अज्ञात शव मिलने की जानकारी मिलते ही इलाके में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने शव को निकाला। मिली जानकारी के अनुसार शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शव करीब एक हफ्ते पुराना लग रहा है और देखने से इसकी उम्र करीब 50 वर्ष के करीब लग रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच और कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। अखाड़ा घाट पुल के नीचे एक अज्ञात शव पाया गया है, जिसको तैरते हुए देखा, मैंने पब्लिक लोगों ने देखा, तो हम लोग उसको जा करके शव को किनारे किया और उसको मैंने गाड़ी पर लाद करके अत्यंत परीक्षण के लिए SKMCH लेके पहुंचा रहा हूँ। क्या स्थिति में शव था? शव पानी में फूला हुआ था, पट्टे लेटा हुआ था। देखने से क्या लग रहा है, किस तरह का दिख रहा है? मैंने 6-7 दिन से ऊपर का ये सब हमको अपना जो प्रतीत होता है कि हाँ, शरीर पर वस्त्र है, कमर से नीचे वो नंगा था, जो मैंने ऊपर निकालने के बाद दिखा गया। उम्र क्या होगा लगभग? उम्र औसतन हमको तो 50+ ही लगता है, हमको अनुभव जो होता है, लेकिन पानी में फूले होने के कारण इस तो उम्र स्पष्ट हम बता नहीं सकते। 40 होगा उम्र। OP के द्वारा आगे यही कार्रवाई की जा रही है कि सबको गाड़ी पर लाद करके हम लोग SKMCH पहुंचा रहे हैं पोस्टमार्टम घर। कोई पहचान हुई है? पहचान, कोई पहचान नहीं है, अज्ञात है।